नमस्कार, मैं नील सकरवाल, कक्षा 12 में हम डे 146 में है और हम इसे बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और टॉपिक है प्रिज्म। हम इसमें बेसिक बातें करेंगे, अभी थोड़ा जनरल डिस्कशन इसका आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास से हम इसके डेरिवेशन शुरू करेंगे। पहले तो हम प्रिज्म के बारे में समझ लेते हैं कि है क्या प्रिज्म। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है, अपवर्तक माध्यम है, यानी जिसके अंदर कैसी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो प्रिज्म एक पारदर्शक अपवर्तक माध्यम है जिसमें अपवर्तन की घटना होती है, और इसमें दो समतल पृष्ठ, ध्यान से सुन ले, दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं, दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं, उसे उस माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नॉर्मली प्रिज्म को हम देखते हैं ट्रायंगल शेप में, हम लैब के अंदर रखते हैं, उसका यूज करते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल की वीडियो भी हम इसमें डालेंगे, अपलोड करेंगे बाद में। तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल शेप में हो, वो नॉर्मली जनरली एक्सपेरिमेंट्स में उसका यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तीन ही उसकी साइड होनी चाहिए, कितनी भी साइड उसकी हो सकती है। तो एक हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई यही प्रिज्म है, कोई जरूरी नहीं है यही प्रिज्म है, प्रिज्म कैसा भी हो सकता है, कुछ उसकी कंडीशन है वो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो प्रिज्म है क्या, प्रिज्म एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम है जिसमें दो समतल सतह, कम से कम दो सतह का बना हो, और वो दो सतह एक दूसरे से किसी कोण पर झुकी हो, जिसमें एक सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है और दूसरी सतह से बाहर निर्गत होती है। तो ये भी कह सकते हैं कि जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित हो और जहां से निकले वो दोनों सतह किसी कोण पर झुकी हो, ऐसा पारदर्शी अपवर्तक माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ये प्रिज्म की डेफिनेशन है। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु नोट कर लेंगे अपने साथ साथ कि ऐसा पारदर्शी अपवर्तक माध्यम जिसमें कम से कम कितनी सतह हो, दो सतह हो, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, और जिस सतह पर, ये बाद में लिख लेंगे इस बात को, और ये सतह किसी कोण पर झुकी, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये दो सतह कौन सी है जो कोण पर झुकी है, जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है तथा जिस सतह से प्रकाश किरण बाहर निकलती है। ये देखो, जिस सतह से प्रकाश कोण आपतित होती है तथा जिससे बाहर निकलती है वो दोनों एक दूसरे से कोण पर झुकी होनी चाहिए। जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित हो तथा जिससे निर्गत हो, बाहर निकलती हो, वे सतह किसी कोण पर झुकी, वे सतह किसी कोण पर झुकी होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रिज्म में कितनी, तीसरी बात, प्रिज्म में कितनी भी सतह हो सकती है, ये वैसे जनरल बातें आपको जनरली ध्यान रखनी है, डेफिनेशन में यूज नहीं करनी है। डेफिनेशन सीधा ये कह सकते हैं, कैसा पारदर्शी अपवर्तक माध्यम जिसमें दो सतह, कम से कम दो सतह जो है जिस पर प्रकाश की आपतित होती है, जिससे बाहर निकलती है, किसी कोण पर इंक्लाइन होनी चाहिए, झुकी होनी चाहिए, वो माध्यम क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा।
अब नॉर्मली हम कैसा यूज करते हैं, ये माध्यम है, ये प्रिज्म है, यहां प्रकाश किरण आएगी, इधर मुड़ेगी, फिर इधर निकल आएगी। तो एक तो ये सतह हो गई, इस पे आपतित हो रही है और इस सतह से बाहर निकल रही है, तो दोनों के किसी कोण पर झुकी हुई है, इसलिए ये क्या है, ये प्रिज्म है। दूसरी बात करें, अगर ऐसा माध्यम है तो ये भी प्रिज्म है। कब? जब प्रकाश किरण इसके इस सतह पे आए और फिर अंदर जाएगी और फिर इस सतह से बाहर निकलेगी, तो इस सतह पर तो आपतित हो रही है और इस सतह से बाहर निकल रही है। इनको आगे बढ़ाएं तो देखो ये किसी न किसी कोण पर मिलेगी, तो झुकी रही है ना किसी कोण पर ये सतह, दोनों सतह, तो ये भी किसी तरह बिहेव करेगा, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। अगर ये स्थिति है कि प्रकाश किरण इधर से आ रही है और इस सतह पर आ रही है इस तरह से, फिर यहां से बाहर निकल रही है, तो एक तो ये सतह है जिस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है और ये सतह है जिससे प्रकाश किरण बाहर निकल रही है, तो ये भी प्रिज्म है। लेकिन अगर ऐसा ऐसी स्थिति है कि ये कोई आयताकार स्लैब है और इसमें प्रकाश किरण इधर से आ रही है और फिर इधर जा रही है और फिर इधर से बाहर निकल रही है, तो ये दोनों क्या है, दोनों फलक समांतर है, समांतर है, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे काटती नहीं है, काटती नहीं है तो ये कहीं कटेंगी नहीं, इसका मतलब इनके बीच में कोई कोण नहीं है, जीरो डिग्री है, तो किसी कोण पर झुके हुए नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है इनके अंदर, इसलिए ये प्रिज्म नहीं है। तो प्रिज्म की विशेषता क्या है, जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है और जिस सतह से निकलती है वो दोनों सतह किसी कोण पर झुकी हुई होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो उसे प्रिज्म कहेंगे वरना नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सीधा ये भी कह सकते हैं इन इन दोनों सतहों को क्या कहते हैं, इस सतह को और इस सतह को क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह, क्योंकि यहां से अपवर्तक की गणना होती है। तो अपवर्तक सतह जो है वो ध्यान रखना है कि अपवर्तक सतह, वैसे तो एक ही बात है, हमने ये कह दिया झुकी होनी चाहिए, झुकी होनी चाहिए इसका मतलब कोण है, इसका मतलब समांतर नहीं होनी चाहिए, दूसरे वे में चाहे तो लिख भी सकते हैं ध्यान दीजिए तो, कि अपवर्तक सतह एक दूसरे के समांतर नहीं होनी चाहिए। ये भी इसकी विशेषता है, ये प्रिज्म की बात है। अब इसके अंदर देखो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे, इनके डेरिवेशन करेंगे, तो इस तरह से लेते हैं हम जनरली लैब में जो प्रिज्म यूज करते हैं हम, उसके प्रैक्टिकल की क्लास भी हम डाल देंगे अभी जल्दी, इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद भी कोशिश करेंगे डाल दीजिए। तो जिन सतहों में अपवर्तन की घटना हो रही है, यानी जहां से प्रकाश किरण, जैसे एबीसी है तो एबी पर तो प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इस पे तो आपतित किरण है, और एसी से किरण क्या हो रही है, निर्गत हो रही है, निर्गत किरण निकलेगी यहां से, तो जिस सतह पर आपतित किरण आ रही है, जिस सतह से किरण बाहर निकल रही है, दोनों झुके हैं किसी कोण पर, वो जिस कोण पर झुके होते हैं, या कह सकते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इस बात को ध्यान, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को लिखते हैं प्रिज्म एंगल, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं, ए फॉर एंगल। ये जो है वो हमें पता ही है कौन सी किरण है, आपतित किरण है, यहां से अपवर्तन की घटना अभिलंब के अनुसार होगी, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से बनाएंगे इस डायग्राम को, फिर भी थोड़ा सा देख लें तो बाद में आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो गया अभिलंब, ये अभिलंब के साथ बनाया गया कोण हो गया आपतन कोण, अब यहां से प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब क्या होगा, विरल से सघन में जा रही है, कांच है ना, कांच का बना हुआ है, तो इधर किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर, तो ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ गई अभिलंब की ओर, यहां पर इसका अभिलंब किधर बनेगा, इसे 90 डिग्री कोण, ये बन गया ना 90 डिग्री, सतह से 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, अब इस बार क्या होगा, सघन से वापिस विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब से दूर हटते हुए इधर जाएगी, ये तो कोण है, कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनेगा, ये कोण कहलाता है निर्गत कोण, इनको हम नाम दे देंगे R1 और R2 सिंप्लीफाई करने के लिए,
फिर यहां क्या हो रहा है कि अगर प्रकाश किरण देखो आई तो इस रास्ते थी नहीं मुड़ती तो इस रास्ते ऐसे भी जाती हो नहीं मुड़ती हो लेकिन दो बार मुड़ गई अपवर्तन के कारण और मुड़ के फाइनल पांच जो है वो इसका ये आ गया ये अंतिम पथ आ गया इसका। अब इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो वो कहां मिलेगी यहां मिलेगी। ये जो कोण है इसको लिखते हैं डेल्टा। क्या लिखते हैं डेल्टा और डेल्टा को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को विचलन कोण कहते हैं इसको विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन इसे प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये जो डायग्राम है वो प्रैक्टिकल में आपको बनाना है। ये डायग्राम थ्योरी के जितने भी कंसेप्ट हम इसके डेरिवेशन पढ़ेंगे मैंने बताया था एक वीडियो भी डाली थी पांच दो मिनट तीन मिनट की उसमें भी बताया था कि महत्वपूर्ण चार टॉपिक कौन से हैं इस चैप्टर के उसमें ये तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया अपने पास तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम है। दो पहले हमने पढ़ लिए तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बड़ा क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहती है। इसमें हम दो तीन बातें पढ़ेंगे उनको देखेंगे अच्छे से समझेंगे उनके बारे में क्या है उस डेरिवेशन को करने के लिए इसी हम डायग्राम का यूज करेंगे। इसलिए आप इसके बारे में बेसिक बातों का जरूर हम इसमें ध्यान रखें कि क्या है प्रिज्म कोण क्या है विचलन कोण क्या है। दो बातें मैंने यूज की है प्रिज्म कोण जो अपवर्तक सतह है जिस पर प्रकाश की आपतित होती है उसकी बाहर निकलती है उनके बीच में बनने वाला कोण प्रिज्म कोण है। डेविएशन एंगल विचलन कोण जो है वो क्या है आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण तो ये ध्यान रखें। अपवर्तक सतहों के मध्य अपवर्तक सतहों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है प्रिज्म कोण कहलाता है। किससे लिखते हैं इसको कैपिटल ए से और आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाता है विचलन कोण कहलाता है। ये वायवा में भी प्रैक्टिकल तो वायवा मुख्य क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होता तो पूछ जाते हैं और दूसरा ये डिफाइन करना भी एक नंबर में भी आ जाते हैं और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जब हम इसके डेरिवेशन करेंगे रिजल्ट सुनेंगे इसके कुछ दो तीन बातें करेंगे तो उसके अंदर ये सारी बातें बहुत काम आने वाली है। इसलिए इन बेसिक बातों को आप जरूर समझ लें तो नेक्स्ट क्लास में दिक्कत नहीं आएगी वरना डायरेक्ट आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे और इनको नहीं पढ़ेंगे तो जरूर दिक्कत आएगी। तो पहले आप इनके बारे में समझ लें रिवाइज कर लें और इस डायग्राम को ध्यान से देख लें और एक दो बार तो बढ़ा के देख लें कैसे ये कंडीशन दी है अभिलंब यहाँ कैसे लिया गया है यहाँ अभिलंब कैसे लिया गया है यहाँ अभिलंब से ये अभिलंब की ओर मुड़ी है यहाँ अभिलंब से दूर हटी है फिर ये आपतित किरण है ये निर्गत किरण है इसको हमने पीछे बढ़ा दिया तो जो बड़ा कोण है वो विचलन कोण है डेल्टा। तो ये डेल्टा क्या है यहाँ ए क्या है इन दोनों का यूज हम करेंगे और हमारे पास आई है और हमारे पास ई है तो मुख्य बातें इसके अंदर तीन आती है आई ई और डेल्टा और ए चार सॉरी आई ई डेल्टा और ए सारी बातें इसी पे डिपेंड करेगी इसी के अनुसार शुरू होगी इन्हीं की चर्चा बार बार में करेंगे हम फिर भी कहेंगे बार में कि बार बार में विचलन कोण ये होता है प्रिज्म कोण ये होता है आई क्या है ई क्या है। तो दोबारा देख लें आई आपतन कोण है ई निर्गत कोण है डेल्टा विचलन कोण है ए प्रिज्म कोण है सबके बारे में यहाँ बताएंगे। प्रिज्म के बारे में आप समझ लें कि प्रिज्म को हमेशा त्रिभुजाकार आकृति से नाम से प्रिज्म कैसी भी आकृति हो सकता है जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है और जिससे बाहर निकलती है दोनों समांतर नहीं होने चाहिए उनके मध्य कोई ना कोई कोण होना तो इनको आप देखिए समझिए लिखिए प्रोटोटाइप बोर्ड्स वगैरह बना लिया में फिर बाकी बातें नेक्स्ट क्लासेस जो है दो क्लासेस करेंगे इनके दोनों क्लासेस में हम इसके सोल्व करेंगे तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगे इसीलिए इनको साथ साथ देखते रहें जुड़े रहें ताकि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।